माइक अपने सब ऑफ रखो। कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, काफी लोग आ गए से। बेटा माइक ऑफ करो सारे लोग। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे लोगों ने देखा हुआ है ना? हाँ। तो इसके बारे में हम इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, शॉर्ट में चलते, क्योंकि आज दरअसल ये टॉपिक अभी तक खत्म करना था, ये लास्ट क्लास थी, लेकिन अभी थोड़ा सा और ज्यादा बच रहा है ना। तो जो मेन पॉइंट्स है जो एग्जाम वगैरह में पूछते हैं, मैं उतने ही बताते चलता हूँ। एक्सप्लेन के लिए बस अब एक कैंसर है, कैंसर को हम थोड़ा सा लंबा वो कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा देख लेंगे, बाकी चीजों को हम नॉर्मल देखते हैं ना, सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स देखते चलते हैं। तो सारे लोग आ गए, एक दो लोग और बचे हुए हैं। चलो ठीक है, ये भावना। एक और चीज मैंने बोली थी, ये जिन लोगों ने सिर्फ मोबाइल के नाम रह दिए, वो अपना नाम अगर वहाँ डिवाइस नेम में या जहाँ अगर आईडी अगर बना रहे हैं तो उस पे अपना नाम लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो यहाँ पता नहीं चलता है कि कौन है और कौन नहीं है, फिर मैं उनको दोबारा फिर पहचान नहीं पाऊंगा ना, है ना। तो अपने डिवाइस में वो अपना नाम लिख दे, है ना। यहाँ काफी लोग आ रहे हैं लेकिन इन लोगों के नाम नहीं पता चल रहा है कहाँ से है, कौन है। अच्छा ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक एंटीबॉडी है ना। दरअसल इम्यून सिस्टम में दो टाइप से हो रहा था, एक ह्यूमरल इम्यून सिस्टम हो रहा था और दूसरा हो रहा था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हो रहा था, है ना। तो ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम में क्या चीज हो रही थी, जैसे WBC बन रही है, दूसरे टीयर्स वगैरह, स्वेट हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब चीजें बन रही थी, है ना। अब सेल मीडिएटेड में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे पर्टिकुलर सेल रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन रहती है, और ये इसमें क्या रहता है, क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनी हुई रहती है, साथ में इम्यून सिस्टम के द्वारा बनी रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं ना। और इसको जो हम कौन आया ये डिनोट जो करते हैं वो क्या करते हैं, IgE से करते हैं, है ना। अब इसके आगे जैसे हमने IgA देखी है ना, IgE रहती है ना, तो अलग अलग तरह की एंटीबॉडियां रहती है ना। अब यहाँ पे ये जो
ए है, ये क्या चीज हो रही है? दरअसल यहाँ पे दो तरह, ये जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही है, दो दो पार्ट है ना, एक तो कांस्टेंट रीजन है, स्थिर भाग है, और एक क्या है, वेरिएबल रीजन है, जो चेंज होते रहता है ना। तो ये जो कांस्टेंट रीजन है, ये सारी एंटीबॉडियों में समान रहता है, कभी नहीं बदलता। अब ये जो वेरिएबल रीजन है, ये वाला भर रीजन बदलता है और ये बदलता है, तो वो किस हिसाब से बनता है, जिस तरह का एंटीजन आया है बॉडी के अंदर में उस तरह से। फिर यहाँ पे आप कॉलम्स देख रहे हैं, तो सेम वही ताला चाबी की जैसे ही कार्य करती है कि अगर यहाँ पे जो एंटीजन आया उस हिसाब से यहाँ पे बाइंडिंग साइट है तो ही एंटीबॉडी काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी, है ना। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे जो जो प्रोटीन के अणु है वो क्या रहते हैं, सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं ना। ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो एंटीबॉडी है उसके प्रोटीन के अणु जुड़े हुए रहते हैं। और दो चेन, ये क्या है, फर्स्ट चेन इस साइड वाली है, ये दूसरी चेन क्या है, ये वाली है। तो ये जो दोनों चेन है, ये किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, लाइट चेन है ना, ये क्या है, यहाँ तक का जो रीजन हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके ये नीचे तक का, ये क्या है, हेवी चेन है ना। और ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये क्या है, यहाँ पे लाइट चेन है। तो ये जो हेवी चेन है ना, इसमें क्या रहते हैं, अमीनो अम्लों की संख्या ज्यादा रहती है और लाइट चेन में कम रहती है। दूसरी चीज वो एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है कि H2L2 क्या है, ठीक है, एक एंटीबॉडी के अंदर में ये H2 और L2 क्या है ना। तो इसके लिए याद रखना है, H2 मतलब ये दो हैवी चेन, एक चेन दूसरी ये चेन, L2 ये एक लाइट चेन और ये एक लाइट चेन, ठीक है। तो यहाँ पे दो, एक एंटीबॉडी के अंदर में दो लाइट चेन होती है, दो हैवी चेन होती है, सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। अब एमिनो अम्ल जो हैवी चेन है उसके अंदर में 440 एमिनो अम्ल रहते हैं, जो ये हैवी चेन है इसके अंदर में 440 एमिनो अम्ल रहते हैं, और जो लाइट चेन है, लाइट चेन के अंदर में यहाँ पे 214 एमिनो अम्ल रहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। हेवी चेन के अंदर में 440 एमिनो अम्ल और लाइट चेन के अंदर में 214 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये जो अभी हम बता रहे थे वही एंटीबॉडी की संरचना है ना। ठीक है, अब एंटीबॉडियों के प्रकार, तो एंटीबॉडियों के प्रकार की किस कितने प्रकार की हो रही है और कहाँ कहाँ उपस्थित होती है ना। तो IgG ये क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है, ये थोड़ा सा सारे लोग नोट कर लो, या तो फिर मैं सेंड करूंगा जो लोग रिस्पॉन्स करेंगे व्हाट्सएप वगैरह पे उन लोगों को। ठीक है बेटा, माइक तो बंद करो यार। ठीक है, IgG सबसे पहले ये क्या है, परिसंचरण तंत्र में है ना। परिसंचरण तंत्र मतलब क्या हो रही है कि मुख्य रूप से ये कहां पर है, जो ब्लड है उसके अंदर में है ना। उसके बाद IgA कहां पर उपस्थित है, दूध में उपस्थित है, लार में उपस्थित है, जो विषैले जो भी सूक्ष्म जीव आ रहे हैं शरीर में उनको नष्ट करने का कार्य करे। IgE, अब इसको बहुत अच्छे से याद करना कि IgE का क्या कार्य है। तो IgE एलर्जिक रिएक्शन के लिए उत्तरदायी रहती है, या जब एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे IgE का प्रयोग करते हैं। IgM में क्या हो रही है, ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी रहती है और इसमें 5 उप इकाई रहती है। 5 उप इकाई है मतलब अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो एक एक यूनिट थी है ना, वैसी ही 5 यूनिट जुड़ी रहती है उसमें प्रोटीन के द्वारा ही, सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा 5 एक साथ में जुड़ी हुई रहती है। और ये भी कहाँ पर रहती है, ब्लड के अंदर में रहती है। फिर IgD में इम्यूनोग्लोबुलिन क्या हो रही, जितनी भी झिल्लिया है जैसे इपिथिलियल होगी, म्यूकस लेयर होगी, यहाँ पर उपस्थित रहती है। ठीक है, ये तो इतनी चीजें याद रखना है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे ये IgG है, ए है, एम है, डी है, यहाँ पर ये क्या डिनोट करते हैं, कोई बता पाएगा कि इनका मतलब क्या है? हम बोल तो रहे हैं IgG है, IgE है, IgA है,
उसको कोई बता पाएगा क्या चीज है ये? सर इम्यूनोग्लोबिन है। IgG तो इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया बेटा, ये ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन ये वाला जी क्या डिनोट कर रहा है, किस क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है? हाँ सर ये नहीं, क्या है? उनकी जान। जो लोग मेरे से पढ़े हैं या जो मेरी बायो की क्लास में थे, उन लोगों को पता होना चाहिए। सर ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन तो ये हो गया बेटा, ये जो स्मॉल जी है ना, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन को डिनोट। देखो I4 क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम। जी स्मॉल जी क्या है, यहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन है। लेकिन ये जी क्या है? अच्छा ठीक है, अगर मान लो, अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये ग्लोबुलिन है, फिर ये A4 क्या है, E4 क्या है, M4 क्या है, D4 क्या है, बताओ। यहाँ पे ये आ रही ना, और जो लोग मेरे से बायो पढ़े उन लोगों को तो पता होना चाहिए। त्रिवेणी, दुर्गा, प्रेरणा, सर गामा। हाँ G4 गामा है। और क्या है यहाँ पर दरअसल, किसने बताया, नाम बताओगे बेटा अपना? आयुषी पाटिल। क्या? आयुषी, आयुषी, आयुषी। हाँ यहाँ पर जैसे हमने अभी एंटीबॉडी में क्या चीज देखा था, दो रीजन थे, है ना, एक क्या हो रहा था कांस्टेंट रीजन था, और एक क्या हो रहा था, ये कांस्टेंट रीजन था और ये वेरिएबल रीजन था। वेरिएबल रीजन में कि यहाँ पर जो प्रोटीन है पाई जाती है वो स्पेसिफिक रहती है। जैसे ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे दिख रही है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट के पास में यहाँ पे जो प्रोटीन रहती है वो डिसाइड करती है कि किस तरह का एंटीजन आया और ये किस तरह की एंटीबॉडी बनेगी। क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट रीजन दिख रहा है, इस वाले रीजन में तो क्या हो रहा है, ये सारी एंटीबॉडियों के अंदर समान है, ये वेरिएबल रीजन ही चेंज हो रहा है। अब इस वेरिएबल रीजन में भी दो भाग है ना, एक तो यहाँ पे है जो कॉन्स्टेंट भाग है, एक बार फिर से इसके अंदर में कि सारी एंटीबॉडियों में समान रहता है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो हम IgG बोल रहे हैं ना, कि क्या है वो IgG है ना, किसी के अंदर में क्या हो रहा है IgA है, किसी के अंदर में क्या हो रहा है IgE है। तो ये जो है प्रोटीन है जुड़ रही है, G4 क्या है यहाँ पे, गामा है, A4 अल्फा है, D4 डेल्टा है, E4 एप्सिलॉन है और M4 म्यू है, ठीक है। ये याद रखना है कि जो वेरिएबल रीजन है, जो परिवर्तित हो सकता है लाइट चेन का भाग, उसमें आईजी जो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली बाइंडिंग साइट की प्रोटीन है, उसके कारण स्पेसिफिक रिएक्शन आता है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनती है। तो G4 गामा है, A4 अल्फा है, E4 एप्सिलॉन है, M4 म्यू है, D4 डेल्टा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें याद रहेंगी। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरह की एंटीबॉडी है ना, या वो किस तरह की क्या रिएक्शंस देती है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड आ रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। मेरे को इन दोनों वर्डों का भी कोई अर्थ बताएगा, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी बेटा, तुम लोग बोलोगे नहीं तो ऐसे में गड़बड़ होंगी ना। हाँ हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी फट से बताओ क्या है उसमें अंतर। माइक से अनम्यूट करो बेटा और बताओ जल्दी जल्दी क्या है। यार आयुषी, साक्षी, बेटा जो भी पता है गलत पता है कोई दिक्कत नहीं ना, हम बता फिर मैं सही बताऊंगा ना, बताओ तो सही, कुछ बोलो। लेकिन
बता। इतना टाइम नहीं लगाया, इतना टाइम नहीं है यार बेटा। वर्षा भावना महर्षि, महर्षि बताओ। बहुत गलत चीज। चलो ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये चीज हो रही है कि जो बॉडी हमारा जो रिस्पॉन्स कर रही है, या बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी कोई भी सब्सटेंस गया, वो सब्सटेंस एकदम से रिएक्ट कर रहा है, एकदम से जो हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे 30 सेकेंड है ना, 30 सेकेंड के अंदर में जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी बॉडी का, वो क्या कहलाती है? हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे हम धूल वाले एनवायरमेंट में जा रहे हैं, हमको एकदम से यहाँ पे छींक आ जाती है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी है। हम धूप में जा रहे हैं तो सनबर्न हो जाता है एकदम से, या हमारी स्किन एकदम से रेड पड़ जाती है, पिंपल्स आने लगते हैं, तो ये चीज क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है। और दूसरी चीज अब बारी आ रही है एलर्जी। फिर क्या है? तो एलर्जी भी वही चीज है कि जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस जा रहा है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी रिएक्शन दे रही है वो। और एलर्जी में क्या हो रहा है? 30 सेकेंड या तो फिर जो 1 मिनट से 1.5 मिनट के बाद में जब हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देती है, कोई उसके प्रति कोई रिएक्शन करती है, तो वो कहलाती है एलर्जी। और इसके जब यहाँ पे हिस्टामिन करके पदार्थ उत्पन्न होता है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में आता है, तो हिस्टामिन करके एक केमिकल रिलीज होता है बॉडी से। अब वो जब रिलीज होता है तो आईजीई बनती है शरीर में, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उसको कम करती है। ठीक है। दूसरी चीज आ रही है यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये चीज हो रहा है, जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा था? किसी रोग से हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में ये चीज होती है स्व प्रतिरक्षा, है ना। स्व प्रतिरक्षा मतलब क्या हो रहा है कि हमारे ही शरीर के अगेंस्ट जो ऑर्गन है उन्हीं के लिए यहाँ पे हमारे शरीर द्वारा ही एंटीबॉडिया बनाने लगते हैं ना, तो वो जो एंटीबॉडिया बन रही वो हमारे ही शरीर के जो ऑर्गन है उनको नष्ट करने लगती है। और ये क्यों होता है? बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेकली हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के ऑर्गन को गलत समझ लेता है, इसीलिए, है ना। फिर है लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आ रहा है? दो तरह के रहते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, है ना। तो जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जहाँ पे उत्पन्न हो रही है, जैसे बोन मैरो हो गई और थाइमस हो गई, जैसे टी सेल बन रही है, तो वो कहाँ बन रही है? बोन मैरो में बन रही है। ठीक है। थाइमस में जाके वो परिपक्व हो जा रही है ना। तो ये सब क्या है? दोनों यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये याद रखना। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, या टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है या भिन्नन कहाँ होता है, तो थाइमस में होता है। ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जैसे शरीर के अंदर में जो लिम्फ नोड है वो स्प्लिंट हो गया, म्यूकस ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के टॉन्सिल्स हो गए, ये भी क्या करते हैं? लिम्फॉइड जो टी सेल वगैरह बन रही है या जो बॉडी में एंटीबॉडी बन रही करती है उनको स्पेसिफाई करती है। मतलब अभी जो हमने वो आईजीजी बताया था उसमें जी बताया था, है ना, गामा प्रोटीन आके जुड़ रही थी, तो वो कहां? इन सेकेंडरी ऑर्गनों से जुड़ रही थी, है ना। जैसे टॉन्सिल हो गया, स्प्लिंट हो गया, है ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हो गया, है ना, उनसे आके जुड़ रही थी और एक स्पेसिफिकेशन आ रहा था उस एंटीबॉडी के अंदर में। और जो प्राइमरी ऑर्गन है ये उसको बना रहे हैं और परिपक्व कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन वो पूछता है कि यदि एक छोटा बच्चा है उसकी अगर थाइमस ग्रंथि को निकाल दी जाए तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक अगर बड़े व्यक्ति की निकाल दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर मेरे को सारे लोग मैसेज में करेंगे बाद में, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर यहां पर एड्स। अब ये क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी है। हमने वर्ड बताया था, डेफिशिएंसी का मतलब होता है
कमी है ना, ये डेफिशिएंसी का मतलब क्या बताया था कि शरीर में किसी चीज की कमी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्यूनिटी की कमी हो रही है शरीर में, है ना। तो यहाँ पे दो तरह की डिसीज चलती है, एक सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम में कमजोरी आ जा रही है, या टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं हो रहा है, या लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं हो रहा, तो उसके कारण जो डिसीज उत्पन्न होती है वो कहलाती है SSCID। ठीक है, ये फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना है, SSCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज इसके बारे में पता है, इसमें बस ये याद रखो कि जो एड्स का वायरस है वो क्या है, आरएनए वायरस है, रिट्रो वायरस है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। साथ में ये चीज याद रखो इसमें कि जो आरएनए वायरस है वो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है या लिम्फोसाइट्स है उसके निर्माण कम कर देता है। कल एक वर्ड बताया था कि इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं इंडिया को एड्स की, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में एड्स के पेशेंट, एड्स के हमको केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इस वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो वायरस के स्ट्रक्चर में याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के इसके अंदर में यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं, प्रोटीन का एक कोड बना हुआ रहता है, और अंदर साइड में यहाँ पे आरएनए मटेरियल रहता है, आरएनए रहता है अनुवांशिक पदार्थ, और ये क्या करता है, और साथ में यहाँ पे ये जो दिख रहा है, अब ये भी याद रखना कि अंदर साइड में इस HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम छठवें चैप्टर में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन के क्यूब और रिसेप्टर रहते हैं, और एक प्रोटीन का कोट रहता है, और इसके अंदर में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ रहता है। और जो सबसे पहला केस देखा गया था वो अफ्रीका में देखा गया था मंकी के अंदर में, और उसके बाद में फिर ह्यूमन के अंदर में 1961 में मिला था, और जो पहला पेशेंट था उसका नाम गैब्रियल था, और ये एक अफ्रीकन एयरलाइंस में अटेंडर था, और उसी को पेशेंट जीरो बोलते हैं, ना पेशेंट जीरो। उसके बाद में इसके फैलने के कारण वगैरह किस कारण से हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें पता है। अब ये चीज याद रखना है कि ये जो एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम में भी किसको कर रहा है, तो वो लिम्फोसाइट्स के निर्माण को रोक देता है, ना। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, एड्स के ट्रीटमेंट की, तो इसमें क्या चलती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चलती है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मतलब जो हम वायरस के जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको रोक देते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका अगर लाइफ साइकिल देखे तो जो वायरस रहता है वो क्या हो रहा है, किसी कोशिका के अंदर में प्रवेश कर रहा है, और सिर्फ क्या छोड़ देता है, वो अपना आरएनए अंदर की ओर छोड़ देता है, और आरएनए अंदर छोड़ने के बाद में उसकी यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ जो वो सेल का है उसके साथ में मिल जाता है, और उसका फिर यहाँ पे संश्लेषण होता है, अनुवादन होता है, अनुलेखन होता है, और नए आरएनए यहाँ पर बन जाते, और ये जो आरएनए क्योंकि इसमें अनुवांशिक जानकारी तो अपने चारों ओर में यहाँ पे कोड बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, और नए वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वायरस काम कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, खास करके टी जो लिम्फोसाइट सेल है उसके अंदर में कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो थेरेपीया चलाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना। एक है ART, ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, दूसरी है हार्ट, HART, ठीक है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये वर्ड याद रखना, दोनों ही हार्ट की हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART पहले दी जाती थी, अभी क्या दे रहा है, हार्ट दे रहा है, क्योंकि इसमें जो क्योंकि ये आरएनए वायरस है, इसका एंटीजन्स, अच्छा इसके ट्रीटमेंट के बारे में ये चीज है कि इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा, ये जो हम यहाँ पे थेरेपी दे रहे हैं ये इसको कंट्रोल कर सकती है, उस आरएनए वायरस की वृद्धि को रोक भर सकती है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं करती है, ना। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ना, इसके हमने यहाँ पे ये कोट्स देखे थे, तो
इस वायरस के द्वारा जो एंटीजन बन रहे हैं वो एंटीजन लगातार चेंज होते रहते हैं ना, अब चेंज होते जा रहे हैं, इसीलिए हम इसका कोई पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट नहीं बना पा रहे हैं ना। फिर यहाँ पे एक दिसंबर को याद रखना है एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो फर्स्ट एड्स डे सेलिब्रेट किया था वो बैंकॉक थाईलैंड में वो हुआ था, मतलब सेलिब्रेट नहीं बोलना चाहिए, मतलब उस एड्स के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि उसके बारे में लोग जागरूक हो सके, कैसे फैल रहा है, कैसे उससे बचे वो है ना। यहीं पर एक और चीज याद रखना है, जो हमारे इंडिया में एड्स का जो रिसर्च सेंटर है वो पुणे में है, ठीक है, पुणे में। अब इसकी पहचान किसके द्वारा की जाती है, कोई बता पाएगा पहचान किसके द्वारा की जाती है? एलिसा टेस्ट। हाँ, एलिसा टेस्ट। और ये किस पर आधारित है? वो तो नहीं। पर आधारित है एलिसा टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। दोनों चीजें याद रखना है कि एलिसा टेस्ट क्या है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजी का मतलब ये होता है जो ब्लड में जो कंपोनेंट्स है उनका अध्ययन करना, और हमारे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रहती है, अगर यहाँ पे इसके एंटीजन पाए जाते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं, HIV पॉजिटिव, और अगर नहीं पाए जाते एंटीजन तो वो नेगेटिव हो जाता है। दूसरी चीज ये वर्ड याद रखना है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करता है हमारे इंडिया में, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, न्यू दिल्ली में स्थित है ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, 1992 न्यू दिल्ली, ठीक है सर। 1900 क्या था? 92, 1992 जी सर, ठीक है। फिर अगर देखा जाए इसकी कुछ मेडिसिन है जो थोड़ी सी इफेक्टिव है, वो थाईलैंड के पास है, चाइना के पास है, ब्राजील के पास है, क्यूबा के पास है और युगांडा, ठीक है। थाईलैंड, चाइना, ब्राजील, क्यूबा और युगांडा के पास इसकी वैक्सीन है, ठीक है। सर इनकी वैक्सीन किधर किधर है, एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या इनकी वैक्सीन किधर किधर है? थाईलैंड, चाइना, ब्राजील, क्यूबा, युगांडा। ओके सर। एड्स के बारे में मेन चीज याद रखना है उसका टेस्ट एलाइजा टेस्ट, और किसके द्वारा, मतलब वो किस बेस पर आधारित है, तो वो याद रखना है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। दूसरा HIV वायरस है, HIV वायरस है, रिट्रो वायरस, RNA वायरस है ये, ठीक है। अच्छा एक और दूसरा नाम है HIV वायरस का, है ना, किस आधार पे है वो, क्योंकि HIV वायरस मेन क्या कर रहा है, लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। सर एक बार फिर, लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, कैपिटल में LAV, और एक चीज इसी को बोलते हैं HTLV, HTLV, इसका मतलब है ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, क्लास में थोड़ी देर से लगाता हूं।
हाँ क्लास ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है इसीलिए, ठीक है नोट कर लिया जी सर। ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर देख लेंगे है ना, और फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन देखेंगे और इसको खत्म कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरी चीज अब दूसरी चीज में ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि